फातिमा अभी सो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहें, और जो भी कोई परेशान हो अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। तो जी माशाल्लाह से अभी सुबह सुबह का टाइम है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने गांव में सुबह सुबह की रूटीन। हमारी सुबह सुबह की रूटीन बहुत ही ख़ास होती है, हम बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। अभी माशाल्लाह से सूरज भी नहीं निकला। अम्मी जी ने नमाज़ पढ़कर ये दूध और लस्सी बना रही हैं, मक्खन और लस्सी बना रही हैं, और मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है। बिस्तर समेटे और फातिमा अभी तक सो रही है। फातिमा उठ गई है, चल सलाम कर। फातिमा अभी सुबह सुबह झूले लेने लग गई है। फातिमा खाना नहीं खाना आपने? सलाम करो फातिमा। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह गाय और भैंस का दूध भी निकालते हैं। तो अभी भाई गाय का दूध निकाल रहे हैं और गाय चारा खा रही है साथ में, फिर हम भैंस का दूध निकालेंगे। आज तो माशाल्लाह सुबह सुबह ही मौसम ठंडा हो गया, बादल आ गए और अभी हवा चली हुई है। अभी माशाल्लाह से हमारी लस्सी और मक्खन तैयार हो गए हैं। अभी अम्मी जी इसको निकाल रही हैं। ये सारा मदानी के साथ भी लग जाता है, तो इसको भी उतारते हैं, फिर एक पेड़ा बनाते हैं। तो जी माशाल्लाह से मक्खन हमारा हो गया तैयार और हम इस तेजकी में डाल कर रखते हैं। तो जी माशाल्लाह से अभी अम्मी जी झाड़ू लगा रही हैं बरामदे में से, फिर इधर हम चार पाइयां डालते हैं। आज तो बाहर हवा भी बहुत चली हुई है,
पहले मैं सुबह सुबह सारे सफाई कर लेती थी, लेकिन आज हवा थी इसीलिए सफाई नहीं हो सकी। तो अभी अम्मी जी ने कहा कि इधर की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि इधर चारपाइयां डालनी है। और माशाल्लाह से इस किचन में आग जला ली है, ऊपर रखी है चाय, चाय बन रही है। तो जी अभी अम्मी डाल रही है अंदर चारपाइयां और फातिमा इधर बैठ के खेल रही है। ये एक डाल दी, अभी ये दूसरी डाल रही है। तो जी माशाल्लाह से अभी अम्मी जी बना रही हैं आटा सुबह सुबह के खाने के लिए, फिर हम तंदूर जलाकर रोटियां बनाएंगे। कौन बनाती? अम्मी जी बनाएंगी और फातिमा ने बनानी। फातिमा आटा बना रही फिर रोटियां भी बनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी माशाल्लाह से अभी आटा हमने बना लिया है और अम्मी जी जला रही हैं तंदूर। इस तंदूर पर हम बनाएंगे रोटियां। सुबह सुबह की हमारी रोटियां थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम की भी अभी ही मंडा लेते हैं। दोपहर को तो फिर इधर धूप होती है, इसीलिए ऊपर मक्खन लगा लेते हैं तो फिर रोटियां नरम रहती हैं। इसीलिए आज हमने ना उधर वाले तंदूर पर आग नहीं जलाई, सुबह सुबह हम इधर ही जला लेते हैं। और शाम को थोड़ी रोटियां होती हैं वो फिर उस तंदूर पर बना लेते हैं। वो छोटा है ना और ये बड़ा है। तो जी माशाल्लाह से तंदूर बिल्कुल जल के लाल हो चुका है। अभी हम बना रहे हैं इस पर रोटियां। पानी भी रखा है और ये घी वाली बाल्टी है। और अभी अम्मी जी बनाएंगी रोटियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अम्मी जी बहुत ही प्यारा पेड़ा बनाती हैं और रोटी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हाथ से पानी भी लगाती हैं ताकि हाथ ना जले, क्योंकि तंदूर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा सेका बन जाता है। और माशाल्लाह से आज ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है। सुबह सुबह हवा चली हुई है ठंडी ठंडी। इधर पास पास के इलाकों में बारिश हो रही है, हमारे पास सबसे हैंड पर आती है। बादल तो आज भी हैं, अल्लाह करे कि आ जाए थोड़ी सी बारिश, गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी। चार पांच दिनों से गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर रोटी बन गई और फातिमा जो है ना आज सुबह से रुलेट बनी हुई है। आज सुबह उठी है ना सुस्त सुस्त, रोने लग गई है। जो बच्चा सुबह रो के उठता है ना फिर सारा दिन ही ऐसे करता है। अभी ये चीज़ लेकर आई, खा लो फातिमा। जाओ उधर चारपाई पे बैठ जाओ, उधर बैठ के खाओ, जाओ खोल देती। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम खा रहे हैं खाना। ये साथ में आलूओं का सालन है रात का, और इसमें के अंदर मक्खन डाला है। ये पानी है और ये तंदूर की रोटी। लस्सी जो है ना हम सुबह सुबह पी लेते हैं खाली पेट, इसीलिए भी मैंने साथ में नहीं ली। और चाय भी है, जिसका दिल करे वो चाय ले। फातिमा और अम्मी भी खाना खा रहे हैं, बाकी भाई और ताया अबू लोग बाहर गए हैं चारा लेने के लिए। वो आएंगे तो फिर उनको भी खाना दे देंगे। अगर आप सब ने भी खाना हो तो हमारे पास आकर खा लीजिए, मोस्ट वेलकम।
तो अभी माशाल्लाह से दोपहर का टाइम हो गया है, हमने सारा खाना पीना खा लिया है, बर्तन भी धो लिए हैं इधर ही, बाकी सारा काम भी कर लिया सुबह सुबह की रूटीन का। और अभी माशाल्लाह से हवा चली हुई सुबह से, आज ठंडी ठंडी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। सारे पत्ते ये नीचे गिरे हुए हैं क्योंकि आज झाड़ू भी नहीं लगाया, सुबह से उठे ना तो ऐसे ही हवा चल रही है, इसीलिए झाड़ू मैंने नहीं आज लगाया। और माशाल्लाह से ठंडा मौसम है, शुक्र है अल्लाह पाक का। पहले तो दो तीन दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और अभी फातिमा और अम्मी जी ने इधर चारपाई डाली है ये दरख्त के नीचे, क्योंकि आज अंदर की निस्बत बाई ठंडी हवा लग रही है। फातिमा अभी सो रही थी ये दूध पी कर, दोपहर के टाइम फातिमा सो जाती है, हम सब सो जाते हैं सारे काम करके, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी रूटीन के काम शुरू कर लेते हैं। और आजकल माशाल्लाह ये दरख्तों के ऊपर पीले पीले फूल भी लगे हुए हैं, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और नीचे भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं। बचपन में ये हम इकट्ठा करते थे, हम इसको कहते थे कि ये रोई है, सब बच्चे ऐसे करते हैं, वो कितने अच्छे दिन थे बचपन के भी। और अब फातिमा ऐसे करती है। और सुबह सुबह मवेशियों के लिए भी चारा लेकर आते हैं, तो अभी ये बना कर रख दिया है, सारा दिन यही इस्तेमाल करेंगे। और ये कुछ वैसे रखे, ये हम सुबह सुबह बनाएंगे, कल मतलब थोड़े से रख देते हैं और सारे दिन के लिए बना लेते हैं। ये अब इनको थोड़े थोड़े करके सारा दिन डालते रहेंगे, इनका भी खाना तैयार हुआ पड़ा है। और आजकल ये दरख्तों के सारे पत्ते भी झड़ रहे हैं खुश्क होकर, तो अभी ये सारे पत्ते गिर जाएंगे इंशाल्लाह, फिर बाहर के मौसम में नए पत्ते जब आएंगे तो फिर ये दरख्त हरे भरे हो जाएंगे और बहुत ही प्यारे लगेंगे। और माशाल्लाह से ये इतना प्यारा दरख्त था ना, इसको भी नज़र लग गई है, पहले इतना प्यारा हो गया था। रात को ना हमारी भैंस जो है ना बड़ी, वो आ गई इधर, उसका रस्सा खुल गया, हमने सही तरीके से बांधा नहीं, तो इधर से उसने इसको तोड़ दिया, तो इसका आधा हिस्सा टूट गया और ये आधा खड़ा है। और इसको भी सही तरीके से ये देखें जी, बीमारी लग रही, सही नहीं हो पा रहे और पत्ते भी खुश्क होते जा रहे हैं, वरना ये तो 12 महीने खुश्क नहीं होता था। ये जो नहरों के ऊपर बड़े बड़े दरख्त लगे होते हैं ना, ये वो पौधा था, बहुत ही प्यारा था। तो जी अभी मैं इधर आके बैठ गई हूँ छांव में चारपाई के ऊपर, फातिमा और अम्मी जी अभी कहीं बाहर गई हैं। और माशाल्लाह से दोपहर के वक्त हमारा आराम का वक्त होता है, उस देर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर अपनी रूटीन के काम शुरू कर लेते हैं। तो जी प्यारे व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और अभी दरख्त के ऊपर परिंदे आकर बैठ गए, आज बहुत ज़्यादा कौवा भी बोल रहा है, लगता है कोई मेहमान आएगा, चलो आ जाए, अल्लाह पाक की रहमत होते हैं मेहमान भी। तो जी अल्लाह हाफिज़।